हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आज है 7 तारीख, या दिन है संडे, और सुबह का मेरा सारा काम हो गया है, जैसे कि पूजा पाठ, घर का जो भी रहता है। संडे वाले दिन मैं नहा धो के फिर आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए, और थोड़ा सा लेट ही नाश्ता बन रहा है क्योंकि मैं आज सोची कि नहा धो लेती हूँ। और संडे वाले दिन मैं ज़्यादातर नहा के ही किचन में जाती हूँ क्योंकि जल्दी नहीं रहता है कि हाँ नाश्ता देना है, क्योंकि बच्चे भी सोए रहते हैं और ये भी थोड़ा सा मतलब लेटे ही रहते हैं। तो जब काम वाली करके चली जाती है, उसके बाद जो है मैं यहाँ किचन में लग जाती हूँ नहाने धोने पूजा वूजा करने के बाद। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मालपुआ। तो मालपुआ के लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया, आधा कटोरी चीनी लिया और एक कटोरी दूध लिया, और उसका बना लिया घोल, और थोड़ा सा पानी भी ज़रूरत पड़े तो डाला। जैसे ये देखिए बैटर कैसा है, ऐसा ही बैटर बनाना है। और उसको 10 मिनट रेस्ट होने के लिए रख दिया, और रेस्ट होने के बाद जो है इसमें डाल दिया किशमिश। किशमिश, नारियल का बुरादा, चिरौंजी, कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे घोल जैसे रहता है ना, थोड़ा सा मतलब घोल ही इसका खास माना जाता है कि घोल अगर आपका अच्छा रहेगा ना तो आपका अच्छा बनेगा। और तेल थोड़ा सा गरम, तेज़ गरम में इसको डाल के, और फिर देखिए कितने अच्छे यहाँ मालपुए बनने लगे। इसको मालपुआ बोलते हैं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं ऐसे चीनी में जैसे घोल में डिप करके नहीं बनाती हूँ, वो खाने में नहीं मज़ा आता है जितना ये मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए मेरे मालपुए अच्छे बन रहे हैं और फूल भी रहे हैं, क्योंकि उसको ना जितना आप फेंट के रख देंगे ना 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना देर फेंटिए जितना हो, तो मालपुए अच्छे बनते हैं। तो नाश्ते में आज यही रहेंगे मालपुए। और अंदर भी देखिए, आपको लग रहा होगा कि अंदर कच्चा होगा, तो मैं दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा उसको तोड़ के दिखा रही हूँ। अभी गरम गरम है, देखिए अंदर इन लोगों को नाश्ता दे भी दिया है मैंने करने के लिए, और अपना लेके जाऊँगी। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद जो है मालपुआ इतना हैवी होता है ना कि आपको खाना ना हल्का ही खाना पड़ जाएगा। और 10 बजे आज हम नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को। और यहाँ पे देखिए मैं एक कमरा तो ठीक कर चुकी थी नहाने के पहले, और ये दूसरा वाला कमरा बच्चे सो रहे थे तो मैं छोड़ दी थी, और उसके बाद जो है यहाँ पे चद्दर वगैरह मैं ठीक कर लूँगी। बेडशीट नहीं चेंज करना है क्योंकि कल मंडे है, तो मंडे का मेरा फास्ट रहेगा, तो व्रत वाले दिन मैं चद्दर चेंज कर देती हूँ सारे ही मतलब रूम का, क्योंकि व्रत वाले दिन फिर व्रत रहो और फिर उसी चद्दर पे बैठो अच्छा नहीं लगता, बच्चे हैं जूठा उठा गिराए रहते हैं। तो व्रत वाले दिन मेरी आदत है कि मैं वही चेंज कर देती हूँ। और उसके बाद इधर आ गई, आज ये वाले पर्दे ना आगे वाले रूम में लगाऊंगी, और आगे वाले रूम के पर्दे यहाँ लाऊंगी। देखिए आगे वाले में ये येलो कलर का जो हॉल में लगा है ना सोफे के पास, आप लोगों ने देखा होगा कई वीडियो में, तो उसी टाइप का मैंने आगे वाले रूम में भी रखा था लगा के। तो आगे वाले रूम का यूज होता नहीं है, छोटा सा है, कोई आता है तभी यूज होता है, ऐसे तो यूज होता नहीं है। तो मैं जो है तो इसको यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगता है। तो रात में इसीलिए मैंने सब काम करेंगे, और बारिश हो रही है, बारिश के दिन मालपुआ वगैरह बनाओ तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पकौड़ी वगैरह तो कम बनता है, और उसके बाद जो है इसको मीठा ही ज्यादा पसंद है, यहाँ वाले पर्दे हैं मंदिर के मीठा ही बनाती हूँ ज्यादातर, हुआ तो उसको ले जाके मैं आगे वाला हो गया मीठी पूड़ी, और मैं ऐसे छोटे ही पर्दे या इसी टाइप के कुछ बनाती हूँ नाश्ते में। और संडे है रोड वगैरह ना, वो अच्छा भी लगता है घर में, सब बड़े लगाने भी लेते हैं, नीचे से पूरे गंदे। तो यहाँ पे देखिए पर्दे मेरे लग गए, और सुबह से हो रही है बारिश, लगा दूंगी आगे, बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने जो मालपुआ भी बनाया, बारिश ना बारिश इतने वाले दिन में नहीं खाने का मन करता है, तो सर्दी में मैं करता है या बारिश बारिश होना ठीक है, नहीं तो ले जाना ज्यादा तो दिक्कत होती है। उसके बाद मैं अगर आप लोगों ने देखा होगा बहुत कमरे में बनता है, कमरे में ना मैं जो उस दिन दिखाई थी, और यहाँ पे देखिए कि मेरी साड़ी यहाँ जो मम्मी साड़ी भेजी है भिजवाई थी, ये नहीं आप लोग नहीं देखे तो दिखा रही थी सासू माँ भिजवाई थी तो जैसे कि मैं रक्षाबंधन की तो तैयारी नहीं करती हूँ, और मैं रक्षाबंधन बच्चों के लिए कपड़ा है, और क्योंकि क्या होता है मेरा भाई आता है ना, मैं जा पाती हूँ तो हमें ज्यादा मन करता है रक्षाबंधन ना तैयारी करे, और लेकिन हमारा जैसे मैं बताती हूँ बच्चों के लिए कपड़ा रहता है, तो भाई है मतलब अगर हम भाई गाँव में रहता है ना भाई आ सकता है मेरे पास, और ना मैं जा सकती हूँ, अभी भाई की शादी नहीं हुई है, शायद वाइफ आ जाए तो मेरा एक ही भाई है जो गाँव में राखी बनवाओ, लेकिन हम उसे ना आ सकता है ना
काम है ना उसको गाँव में नहीं जा पाती जा सकती राखी बांधने तो ये साड़ियाँ मैं लेकिन छोड़िए ये साड़ियाँ मैंने दिखा रही थी ना पहले मतलब इन तीनों मौसी की भाइयों को बिना खाना खाए हम लोग राखी बांधते थे रहता था हम लोगों को तो मैं दिखा रही थी लगता था कि हाँ इसी भाई जब आ जाएंगे राखी बांधेंगे तभी खाएंगे तो ये अभी 15 अगस्त को ना पड़ेगा तो हम लोग रहते हैं अब मिस करके क्या फायदा है माँ होती तो शायद ऐसा होता कि मैं भी चली जाती मतलब ये भी भेज देते कि चलो मम्मी है जाओ तो मेरा भी मन नहीं करता है उतना जाने का मायके वगैरह क्योंकि माँ मम्मी पापा भाई है तो अभी छोटा है शादी वादी हो जाएगी भाभी आ जाएंगी तब उसके बाद मन करेगा जाने का। देखिए मायके तो मायके होता है वो तो नहीं छूटेगा चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं जाना तो नहीं छोड़ती हूँ मैं जाऊँगी तो कभी दिखाऊँगी आप लोगों को लेकिन मम्मी पापा की याद तो बहुत आती है ऐसा तो है नहीं कि याद नहीं आती है हर फेस्टिवल पे। हेलो कैसे हैं आप लोग और मैं ना चौथ की तैयारी कर रही हूँ हमारे यहाँ चौथ होता है बच्चों के लिए होता है तो गणेश चौथ बोलते हैं उसको तो वो 15 अगस्त को है तो मैं उसी दिन मतलब मेरा निर्जला व्रत रहेगा मैं आप लोगों के साथ उस दिन सूट करूँगी तो ये साड़ी मैं तैयार कर रही हूँ जैसे आप लोगों को दिखाया ना मैंने ये वाली साड़ी आप लोगों ने अच्छे से देखा तो ये कैसी लगी कि कमेंट करिएगा तो ये वाली साड़ी मैं उस दिन पहनूंगी और वो बच्चों का व्रत रहता है निर्जला और शाम को फिर चंद्रमा को अर्घ देके फिर फलाहार कर सकते हैं लेकिन सुबह से शाम तक पानी भी नहीं पीते हैं तो इसीलिए ये तैयारी कर लेती हूँ। और आज मौसम इतना मैंने बालों में तेल भी लगाया था कि चलो बाल धो लूँगी लेकिन मौसम जो है इतना ख़राब है कि मैं बालों में मतलब बाल भी नहीं धोई ना नहा धो के पूजा वूजा कर ली और सारे काम कर ली तो यहाँ पे देखिए सुबह से ऐसे ही बारिश हो रही है हल्की 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 लेकिन पौधे बहुत हरे हरे हैं फूल पौधे बहुत और यहाँ देखिए मेरा एक गुलाब भी खिला है दिख रहा है आप लोगों को देखिए इतना छोटू सा पौधे सुंदर हो गए हैं हरे भरे से। और तो बारिश सुबह से हो रही है और देखिए कब बंद होती है बारिश उसके बाद अब मैं जा रही हूँ अभी 12 बज रहे हैं तो मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी राजमा चावल ही बनाना है क्योंकि पुआ खा लो ना तो फिर मन नहीं करता कुछ करने का तो पहले बनाऊँगी चाय हम दोनों के लिए घर पे हैं तो मौसम अच्छा है तो एक बार चाय तो अच्छा ही लगता है तो चलिए। और उसके बाद मैं आ गई किचन में तो देखिए मैं राजमा भिगो के रखी थी और मैंने सुबह में ही भिगोया था क्योंकि दोपहर में बनाना था तो फूल जाता है सुबह में डाल दीजिए तो रात में बना भिगोती तब हूँ जब एकदम अर्ली मॉर्निंग बनाना रहता है सुबह के टाइम में तो मैं इसलिए जब सुबह उठी थी तब राजमा डाल दी थी और खूब अच्छे से भीग गया था तो राजमा अच्छे से धो के और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें नमक डाल के इसको बॉयल कर लेंगे बस नमक ही डालती हूँ और कुछ भी नहीं। और इधर बना रही हूँ चाय और भी आए हैं कुछ ऐसे ही बात कर रहे थे जैसे बता रही थी ना कि साड़ियाँ दिखा रही थी इनकी मौसी की शायद दो लड़कियाँ हैं तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने कहा जो साड़ियाँ मम्मी भेजी है ना उसी में से मैं भेज दूँगी आप लोगों को तो सारी साड़ियाँ दिखाई हूँ तो दो साड़ियाँ उन लोगों को मैं दे दूँगी। और एक और दीदी आती हैं जो हर साल आती हैं राखी बांधने के लिए इनके दोस्त की बहन है तो उनके लिए भी एक साड़ी ले लूँगी। और उसके बाद जो है मैं तो कुछ ऐसे खास नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है बेकार मेरा भी कोई भाई होता मुझे लगता है कि यहाँ कोई होता तो मैं बांधती पर चलिए कोई नहीं मैं खुश रहती हूँ उस सबको देख के जैसे कि आसपास या अपने बच्चों को देख के खुश रहती हूँ कि चलो। और मेरी देवर की एक बेटी है छोटी सी है अभी तो वो अभी तो आ नहीं पाएगी या मतलब बच्चे भी अभी उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जब बड़े हो जाएंगे तो जाएंगे बांधने के लिए बंधवाने के लिए तो हम इसी सब चीज़ों से खुश रहते हैं बच्चों को देख के अपनी सासू माँ के साथ खुश रहते हैं या अपने फैमिली के साथ मैं खुश रहती हूँ। बाकी पीछे जो लाइफ थी ज़िंदगी थी ना वो मैं एकदम ना के बराबर अब याद रहता है मुझे अब नहीं रहता उतना लेकिन हाँ फेस्टिवल पे तो देखिए किसी के भी मम्मी पापा ऐसे खा रहा है देखिए क्या रहा है ना ये जो डॉट डॉट बना हुआ है ना ये इस पे सफेद सफेद सा ये तो सेव पे रहता ही है ये तो ये कह रहा है कि ये ना ये खाने मुझे अजीब सा लग रहा है ये डॉट जो डॉट डॉट बना हुआ ये छील के इसका शेप है ये कह रहे हैं कि ये इसका शेप है शेप है ना और फिर भी ये जो देखो कैसे खा रहा है
सेब बहुत अच्छा है, ये खा सकते हैं इसको ऐसे, लेकिन इसको ये डॉट डॉट से प्रॉब्लम हो रही है, जो व्हाइट व्हाइट डॉट से है ना, इससे प्रॉब्लम हो रही है इसको है? आजकल सेब अच्छे आ रहे हैं बच्चों के खाने लायक आ रहे हैं। तो उसके बाद मेरी चाय बन गई, और चाय बनने के बाद जो है मैं यहाँ पे आ गई हूँ राजमा बनाने के लिए। अच्छा, जब से आप लोगों से बातें होने लगी है ना, तो मन की काफ़ी बातें मैं कह लेती हूँ। कभी भी ऐसे कोई बात होती है ना, तो मैं ज़्यादातर बातें आप लोगों से कर लेती हूँ। और मेरी देखिए क्या है ना, मैं किस में ज़्यादा लोगों से बात नहीं होती है, भाई है तो कभी कभार मैंने बताया ही है कि लड़का है, घूमता रहता अपना काम वाम करता रहता है, तो बातें उससे भी 2-3 दिन पे ही होती है, रोज़ नहीं हो पाती। और वो भी अपनी लाइफ में व्यस्त है, तो क्या डिस्टर्ब किया जाए किसी को, अपना अपना वो भी अपने काम धंधा में लगा रहता है, अकेला है वो भी बेचारा, अपना करता रहता है। और उसको भी उसको भी देख के मुझे बड़ा वो लगता है। खैर, मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे पास आओ, वो नहीं आना चाहता मेरे पास, कहता है नहीं मैं गाँव गाँव घर में क्या है ना, लोग जो गाँव घर में रहें, खेती बाड़ी ये वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सब भी देखना उसको ज़रूरी है, इसी वजह से वो नहीं आता है। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो है ना, मैं बना रही हूँ राजमा, और राजमा मैंने प्याज व्याज कट कर लिया था, उसके बाद देखिए तड़के में जीरा, तेज़पत्ता, हींग और लाल मिर्च डाली हूँ, और उसके बाद डाल दी अदरक लहसुन, और यहाँ पे डाल रही हूँ प्याज ढेर सारा। अच्छा, मेरा मिक्सर ख़राब हो गया है, तो आज मैं मिक्सर लेके आऊँगी, और बन गया है मेरा मिक्सर। और उसके बाद जो है यहाँ ना प्याज पीस के डालो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके बाद वही नॉर्मल गरम मसाला, सब्जी मसाला, और उसके बाद हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि राजमा है ना थोड़ा तीखा रहेगा तभी खाने में मज़ा आएगा। और छोटे वाले के लिए मैं थोड़ा सा राजमा अलग से निकाल के बना देती हूँ, उसके में मिर्ची नहीं डालती, शांतनु तो खा लेते हैं, पर देव के लिए मैं हमेशा अलग से डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए राजमे उबल गए थे, और मैं डाल दूँगी राजमा, और ढक के इसको पका लेंगे।